ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। खैरागढ़ चुईकदान गंडई नवा जिला बन गए है। उन्हें मुख्यमंत्री यकीन है कि जल्दी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अस्तित्व में आ जाही। छत्तीसगढ़ में काली कोरोना संक्रमण के कोनो भी नवा मामला आगू नहीं आईस। प्रदेश में सक्रिय मरीज मन की संख्या घटके हो गए 16। औ प्रदेश में आज हुए दो तीन अलग अलग सड़क दुर्घटना मन में 4 मनखे मन के मौत, उन्हें 3 जिन दूसर लोगन घायल। अब समाचार विस्तार ले। खैरागढ़ छुईकदान गंडई नवा जिला बन गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है काली खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद काली रायपुर में एला नवा जिला बनाए के ऐलान करीन। ये प्रदेश के 33वां जिला होही। संगे संग मुख्यमंत्री है सालहेवारा ला पूर्ण तहसील और जालबांधा ला उप तहसील बनाए के घलो घोषणा करीन। ए मौका में ओमन कहीन के नवा जिला बने ले प्रशासनिक कामकाज में तेजी आही, उन्हें विकास और निर्माण काम मन लग गति मिली। राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक कहा बताएं कि मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला के प्रक्रिया राजस्व विभाग दहाले शुरू कर दी गये है। बता दें कि राज्य के कांग्रेस सरकार है अपन सवन 3 साल के कार्यकाल में अब तक 6 ठीन नवा जिला बनाए के घोषणा करे है। यही बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हकीन कि राज्य में जल्दी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अस्तित्व में आ जाही। एक बार तुरते ओएसडी के नियुक्ति करे जाही। मुख्यमंत्री आज बलौदा बाजार भाटापारा जिला के ग्राम सलोनी कला में रखे गये चंद्रनाहू विकास महासमिति के वार्षिक अधिवेशन ला संबोधित करत रहीन। ए मौका में ओमन सलोनी कला गांव में सामाजिक भवन पर 30 लाख रूपया मंजूर करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद जिला के छुरा विकासखंड के ग्राम बोडरा बांधा में रखे गये अखिल भारतीय गोंड समाज के महाधिवेशन में शामिल हुईन। ए दौरान ओमन कचना धुरवा गोंडवाना समाज भवन पर 1,07,00,000 रूपया दे के घोषणा करीन। कार्यक्रम ला संबोधित करत श्री बघेल कहीन कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के विकास और ओमन के हित के संरक्षण पर दृढ़ संकल्पित रहे। ओमन समाज के लोगन मन ले आह्वान करीन कि समर्थन मूल्य ले कम मा महुआ या दूसर कोनो भी लघु मनोपज मत बेचे। उन्हें मुख्यमंत्री आज रायपुर जिला के ग्राम टीला में रखे गये छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज चंद खुरीराज के महाअधिवेशन में घलो शामिल हुईन। ए मौका में ओमन कहीन कि चंपारण ला राम वनगमन पथ सर्किट में शामिल करे जाही। संगे संग कौशल्या माता के जन्म के सही तिथि ला पता करके आने वाला समय में कौशल्या माता जन्म उत्सव मनाया जाही। मुख्यमंत्री है टीला हथखोज सड़क ऊपर महानदी में पुल बनाए के घोषणा करीन। एकर अलावा ओमन मनवा कुर्मी छत्री समाज के सामाजिक भवन पर 20 लाख रूपया के मंजूरी घलो दिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है आज आकाशवाणी ले प्रसारित अपन मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी के 28वां कड़ी में प्रदेशवासी मन ला संबोधित करत कहीन कि राज्य सरकार के नवा बजट नवा छत्तीसगढ़ के विकास के दिशा तय करने वाला है। सरकार ये सुनिश्चित कर ही कि खुशहाली में जन भागीदारी के सबले ज्यादा भूमिका है और प्रदेश के समृद्धि में हरेक प्रदेशवासी की भागीदारी है। मुख्यमंत्री है कहीन कि सरकार है कोरोना संकट जीएसटी और केंद्रीय कर के हिस्सा में कमी के बावजूद और ज्यादा राजस्व के बजट प्रस्तुत करे है। आज प्रसारित लोकवाणी नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट विषय ऊपर केन्द्रित रही। मुख्यमंत्री है लोकवाणी में श्रोता मन के जिज्ञासा के जवाब देवा छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति के जानकारी दिन। राजधानी रायपुर में परन दिन 19 अप्रैल ले 3 दिन के राष्ट्रीय जनजाति साहित्यकार महोत्सव के आयोजन करे जाही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रखे गये ये महोत्सव के शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करही। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान डहाले होवैया ए महोत्सव में प्रदेश के आने आने क्षेत्र मन के जनजाति समुदाय ले जुड़े व्यक्ति समाज प्रमुख और साहित्यकार मन ला आमंत्रित करे गये है। इन दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम घलो होही। इमा बस्तर बैंड के प्रदर्शन और जनजातीय नृत्य मुख्य आकर्षण होही। संगे संग चित्रकला प्रतियोगिता घलो होही। एकर अलावा पुस्तक मेला और आने आने विभाग मन के प्रदर्शनी लगाए जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कुती। छत्तीसगढ़ में काली कोरोना संक्रमण के कोनो भी नवा मामला आगू नहीं आईस।
प्रदेश में एबेरा कोरोना के सक्रिय मरीज मन के संख्या घट के 16 हो गए है। राज्य के 20 जिला मन में कोरोना के एकोठिन सक्रिय मरीज नहीं है। रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ जिला में जहां 3-3 सक्रिय मरीज है, उन्हें बिलासपुर और कोरबा जिला में दूधी और सूरजपुर, जशपुर और बस्तर जिला में कोरोना के 1-1 सक्रिय मरीज मन के इलाज चलत है। इसी बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान सरलग चालू हो है। प्रदेश में कोरोना ले बचाव खातिर अब तक 3,98,37,000 से ज्यादा टीका लगाए जा चुके हैं। काली विश्व धरोहर दिवस हर है। ए मौका में काली राजधानी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर रायपुर में संस्कृति और पुरातत्व विभाग डहा ले व्याख्यान कार्यक्रम के आयोजन करे गये है। ये व्याख्यान छत्तीसगढ़ के शैल कला ऊपर प्रदर्शनी और धरोहर मन के संरक्षण ऊपर आधारित होगी। नदी मन के संवर्धन और जल संरक्षण के उद्देश्य ले राजनांदगांव जिला के मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ और गंगा मैया के महाआरती के कार्यक्रम रखेगी। इमा बड़का संख्या में समाजसेवी और आम जनता मन शामिल होकर जल संरक्षण के संकल्प लें। प्रदेश में आज हुए 2-3 अलग अलग सड़क दुर्घटना मन में 4 मनखे मन के मौत हो गये, उन्हें 3 जिन दूसरे लोगन मन घायल हो गये। मिली जानकारी अनुसार जांजगीर चांपा जिला के पकरिया झूलन गांव में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। एक घटना में 3 मनखे मन के मौका चो मौत हो गये जबकि 3 जन दूसरे मन घायल हो गये। इमन जम्मू पचपेड़ी गांव के रहैया रहे। उन्हें रायगढ़ खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग में कुनकुरी करा ट्रैक्टर के टक्कर ले मोटरसाइकिल सवार एक मनखे के मौत हो गये। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध आचरण के आरोप में मस्तूरी के नायब तहसीलदार ला अवैया आदेश तक जिला कार्यालय भू अभिलेख शाखा बिलासपुर में संलग्न कर गये है। संगे संग कलेक्टर है आरोपी नायब तहसीलदार ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित करे पर उमन के विरुद्ध कड़ा कार्रवाई के प्रस्ताव बिलासपुर संभाग के कमिश्नर ला भेजे हवे। सरगुजा संभाग के 1857 की क्रांति में योगदान विषय ऊपर बिलासपुर संभाग के कमिश्नर और इतिहासकार डॉ संजय अलंग के वार्ता के प्रसारण 20 अप्रैल के रायपुर दूरदर्शन रहाले करे जाही। ये वार्ता बुधवार के संजा 6 बजे डीडी फ्री डिश और डिश टीवी में प्रसारित होगी। प्रसारण के बाद इला यूट्यूब में घलो देखे जा सकी। और अब सुनाओ मौसम के हाल। प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो स्थान में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। उन्हें प्रदेश के बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा और एखरले लगे जिला मन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। खैरागढ़, छुईकदान, गंडई नवा जिला बन गये है। उन्हें मुख्यमंत्री यकीन है कि जल्दी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अस्तित्व में आ जाही। छत्तीसगढ़ में काली कोरोना संक्रमण के कोनो भी नवा मामला आगू नहीं आईस। प्रदेश में सक्रिय मरीज मन के संख्या घटके हो गये 16। और प्रदेश में आज हुए 2-3 अलग अलग सड़क दुर्घटना मन में 4 मन के मौत, उन्हें 3 जिन दूसरे लोगन मन घायल। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।